एरो शो में 55 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। 55 देशों के अधिकारी, सर्विस चीफ और प्रतिनिधि इस एरो शो में हिस्सा ले रहे हैं। 80 विदेशी कंपनियां हैं, 540 एग्जिबिटर्स हैं जो इस शो में शामिल हैं। और सबसे ज्यादा जोर क्या है, रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर सबसे ज्यादा जोर है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए, दुनिया भारत की एयर पावर को न केवल सलाम कर रही है, बल्कि दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अब अपने दम पर रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि कैसे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है इस एयरो शो में शामिल भारत के ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट। तो बेंगलुरु एयर शो हाई एल्टीट्यूड पर मुकाबले के लिए भारत का कौन सा इक्विपमेंट है और बेंगलुरु शो में जिसको दिखाया गया है, आइए दिखाते हैं। सुमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भारत को कई चुनौतियों का सामना करना, और इस समय कई चुनौतियां ऐसी हैं जो हमारे बॉर्डर्स पर खड़ी हुई हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड की पर चुनौतियां। लेकिन ये सर्विलेंस इक्विपमेंट हमारी उस चुनौती को मुकाबला करने के लिए या फिर उनको पूरा करने के लिए बहुत कारगर होगा, जिसको पूरी तरीके से हमारे खुद भारत की कंपनीज ने डेवलप किया है। रंजीता हमारे साथ है। मैं आपसे अगर पूछूं, खास तौर पे हेली टेरेंस के अंदर या फिर किस तरीके से सर्विलेंस ये करता है? हाँ, सो ये पूरा ऑटोनॉमस है, इसका 6-व्हील ड्राइव है और ये पूरा इलेक्ट्रिक है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये फुली इलेक्ट्रिक है, तो मतलब इस पे पेट्रोल या डीजल की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ऑटोनॉमस है और ये ड्राइव बाय वायर से चलती है, ये कहीं भी चल सकती है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है और इंजीनियरिंग है वो ऐसे बना है कि मतलब वो हिली टेरेन्स में इजीली चढ़ जाती है, 20 डिग्रीज के लिए डिजाइन है। ये इक्विपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मानिए कि आप लद्दाख के इलाकों में हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड टेरेन में हैं, जहां पर आपके जवान लगातार पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं जा सकते या फिर आपको लगातार वहां का सर्विलेंस करना है, देखना है, तो ये इक्विपमेंट आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह कि सर्विलेंस इस इक्विपमेंट के ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऑटोमेटिक मशीन्स थी जो लगातार डिवेलप DRDO की तरफ से की जा रही थी, उनको भी इस पर प्लेस किया जा सकता है। और ये कुछ नई तकनीक है जो हमारे नए भारत के लिए या फिर हमारी सर्विलेंस के लिए या हमारी गार्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगी। करीबन कई घंटों तक ये इसी तरीके से ये सर्विलेंस कर सकता है और इसको किसी मैन की या फिर किसी भी आदमी की, इंसान की जरूरत नहीं है। और इसके बाद इससे ना सिर्फ सर्विलेंस किया जा सकता है बल्कि देखा जा सकता है, बल्कि इससे पेट्रोलिंग भी की करवाई जा सकती है, वो भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज में।